हमें तो ऐसे फोड़ के दिखाना, बिल्कुल पत्थर है, बिल्कुल पत्थर हो जाऊँ पड़ा। जिस चीज का डर था वो ही हो गया। और अभी हमने सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई कैसे हो सारे भाई, हो आप सब ठीक हो गए? और एक चीज दिखाऊं भाई, ये देखो आज धूप खिल चुकी है यहाँ पर बढ़िया तरीके से, लेकिन भाई जो हवा है ना, ठंडी हवा, वो बड़ी गंदी है यार। आज खिली है यहाँ पर धूप, हवा से पता लग रहा होगा गला भी खराब हो चुका है। और कल के व्लॉग में देखा होगा भाई, रात तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, वो थोड़ी और कल ना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब थोड़ा थोड़ा क्या बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। और अब यहाँ से भाई सुबह उठे हैं, नहाए धोए हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं अब नीचे, और फिर देखते हैं आज का क्या प्लान है। तो चलो चलते हैं। हमें तो ऐसे फोड़ के दिखाना, बिल्कुल पत्थर है, बिल्कुल पत्थर हो जाऊँ पड़ा, तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं लेह से और अपने सोनमर्ग के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पर लोकल से थोड़ा पूछा है और आर्मी वालों से भी थोड़ा, और भाई हमने उसके लिए पूछा था पेंगोंग के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि रोड क्लोज्ड है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई पड़ी हुई है ऊपर। तो उन्होंने हमें सजेस्ट भी करा, हमने उनसे पूछा हम वापस जाएँ, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको आज निकलना है तो आप निकल जाओ, वरना कल जॉर्जिला पास पर स्नोफॉल हुई है तो दो तीन दिन के लिए रोड हो जाएंगे ब्लॉक। तो भाई अब हमारा यही है कि हम वापस ही निकल जाएं, खामा खा भाई 2-3 दिन यहाँ फंसने का कोई मतलब नहीं है, हालात और ख़राब हो जाएगी अगर यहाँ फंस गए तो। तो भाई सीधा यहाँ से अपना श्रीनगर निकलते हैं, श्रीनगर अपना स्टॉप लेते हैं दूसरा, देखते हैं अगर अलाउ करते हैं कि नहीं। ये वाले पेड़ भी थे ना, देखो हरा रंग भी है, दिख गया लाल कितना भर है। जिस चीज का डर था वो ही हो गया। और अभी हमने द्रास क्रॉस करके, मतलब द्रास ही पहुंचे हैं, कारगिल क्रॉस करके द्रास पहुंचे थे। और ये यहाँ पर देखो चेक पोस्ट पर भाई रोक ली हमारी दोनों गाड़ी, और यह कि भाई अब नहीं जा सकते हम आगे क्योंकि जोजिला पास पर रोड बहुत ख़राब है, तो सेफ नहीं हमें जाना। और भाई हमारा यहाँ से सोनमर्ग है 40 किलोमीटर, और भाई दिमाग ख़राब हो गया, सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से और जब जाने नहीं दे रहे, क्या करें यार। हमने सोचा था कि वहाँ स्टे कर लेंगे, अभी यहाँ से हमें वापस कारगिल की तरफ जाना पड़ेगा स्टे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई गेस्ट हाउस टाइप ऐसा कुछ है नहीं, और ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, हद से ज़्यादा। तो कोई नहीं, देखते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ये जाने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर कारगिल ही स्टे करना पड़ेगा।
देख रहे हो यार, जबान भी थोड़ी ऐसी हो रही है, ढंग से बोला नहीं जा रहा कुछ भी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो भाई हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं, और हमारी रिक्वेस्ट करी हमने उनसे और किसी से कांटेक्ट करवाने के बाद भाई उन्होंने हमें वहां से जाने दिया, लेकिन उन्होंने हमारी भाई सारी डिटेल्स ले ली, हमारे कांटेक्ट नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह, गाड़ी का नंबर वगैरह सब चीज़ लेके उन्होंने फिर हमें अपना नंबर भी शेयर करा कि जैसे आप वहाँ पर पहुँचते हो तो उन्हें हम कॉन्टेक्ट करके बताएं कि हम पहुँच चुके हैं। हमारे साथ दो गाड़ी थी भाई, मतलब एक हमारी और एक हमारे साथ जो थे वो, तो दोनों गाड़ियों को जाने दिया भाई, और अदरवाइज़ वो और किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे। वो बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी बट उन्हें अलाउ नहीं किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि रास्ते बड़े रिस्क हैं यार। तो एक दो दिन पहले यहाँ पर, मतलब दो तीन दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं ब्लैक आइस की वजह से, गाड़ियाँ स्लिप होके मतलब एक्सीडेंट हुए हैं, तो उस चक्कर में भाई उन्होंने हमें भी रोका था। तो कोई नहीं भाई, हम तो आराम आराम से आ गए और अब फिलहाल श्रीनगर पहुँच चुके हैं और अभी होटल में स्टे करा है और अभी थोड़ा फ्रेश हो लें, उसके बाद नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो भाई पहले फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं कुछ। आज हमारा लास्ट डे नहीं होने वाला, कल का हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है बड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है। इसका हमने पहले से प्लान नहीं कर रखा था, अभी प्लान करा है इनिशिएट। तो वहाँ जाएंगे कल और बड़ी अच्छी जगह जाने वाले गाइस, तो वीडियोज़ को आगे तक देखते रहना। तो चलो पहले नीचे चलते हैं।